गुड मॉर्निंग गाइस, आप सब कैसे? उम्मीद करते हैं सब मजे में होंगे। तो सुबह की है ना, सोच लो 8:30 हो चुके हैं। मैं जा रही हूँ शॉप पे, मैं जल्दी निकल रही हूँ। आज मुझे ये पता चला है कि आज विश्वकर्मा डे नहीं है, मैं खास सिलाई कर लेती हूँ। तो भाई आज सिलाई बहुत दबी की आ रही है, 2 दिन की छुट्टी हो जाती और आंखों में इतना पेन हो रहा है, बेहद ज्यादा पेन हो रहा है। क्योंकि है ना, रात में पटाखे वगैरह जले थे ना बाहर, इतना आंखों में दर्द होने लगा। मेरे तो आंख इतनी पेन करी, जाके चश्मा लगाना पड़ेगा क्योंकि बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है आंखों में, इतना धुआं हो रहा है आंखों में। अभी भी नहाई धोई ना तो अभी ये लग रहा है कि आंखों में बहुत सारा धुआं फंस गया। तो इधर से मैंने साफ सफाई सारी कर दी है ना धो के, क्योंकि मेरा इस्तीफात और सारी चीजें मैंने रख दी है थैली में, वो की बंदी में चटाने के लिए सारी चीजें रख दी थैली में मैंने। इधर से साफ सफाई करेगी तनु, क्योंकि तनु रही घर और मैं जा रही हूँ शॉप पे। अरे रंगोली तनु नोली मम्मी, मैं साफ कर दूंगा मैं खाना, आज आज ना करियो, करी दे क्योंकि गंद हो जाएगा बेटा, ठीक है ना। ये करके एक चीज में डाल दे, ठीक है सर चीज। और ये दलिया मैंने पिसवा रखा है, एक अंदर रखा है, एक ये रोज डेली ना ले गए, और उधर भी डालती हूँ और सारा का सारा उधर भी। तू डाले? अच्छा बस मैं नहा धो के आ चुकी हूँ शॉप पे, सारा काम कंप्लीट करके हम इस बिना नहाई आ गई थी, मतलब नहा के आ गई थी, काम मैं करके आई हूँ। तो यहाँ पे मैं बना के लेके आई थी मम्मी के लिए खाना। देखो अम्मा कितना, तो मम्मी फोन देखने में, फोन पे बात करने में बिजी है, और ये लड़का हमारा व्लॉग देख रहा है। दिखा तो ये हमारा व्लॉग देख रहा है। क्या कमेंट कर रहा था तू है? तो अच्छा मम्मा, मैं आपका कितना ख्याल रखती हूँ, मैं खुद खाना नहीं खा के आई, बना के लेके आई। भूख नहीं थी। हमारा नया माल आ चुका, जिसने भी लेना है तो आप ले सकते हैं। कॉटन के भी सूट है, महंगे भी हैं, सस्ते भी हैं, सारी क्वालिटी के सूट है। ये देखो 4000 के भी सूट है, बहुत ही प्यारे प्यारे। और ये अब नया कपड़ा चल रहा है, मसलीन नहीं है ये, तो प्योर के सूट है ये। पता है आज क्या हुआ? मैं रिया आगे गई थी ना, तो मैं रिया आगे जिसकी बैठक में जाके बैठ गई, तो आंटी मुझे कह रही है तन्नु को देख क्या लगा, पता नहीं कौन बाहर से आ रखा है। बोले तन्नु ने आधे कपड़े ऐसे पहन रखे, ऐसा लग रहा है पता नहीं कौन है। मैं वाह आंटी जी, मैं आंटी जी आज तो मैंने नीचे लेगी पहन रखी, इसके नीचे लेगी नहीं पहनते, पर मैं पहनती हूँ, बहुत ही गुस्सा करते हैं, इसलिए मैं पहन लेती नीचे लेगी। तो बस अभी निकलते घर के लिए, सामान हमारा सारा पैक हो चुका है। तो हमारा आज सारा माल कोरियर से आया भाई, सारा आज कोरियर से आया, आधा आ गया आधा और अभी रहता है। पता है माल पड़ा है लेकिन वीडियो नहीं डाल पा रही क्योंकि बिजी इतना हो रहे हैं। तो गाइस आपके इतने अच्छे अच्छे कमेंट आए हैं, इतने अच्छे अच्छे कमेंट आए हैं, बहुत ही प्यारे प्यारे, तो बहुत दिल से थैंक यू। कभी कभी तो आप अच्छे कर देते हो, कभी कभी तो ना बहुत गंदे कर देते हो, पर आप ठीक कर रहे हो, बहुत अच्छे कर रहे हो, बहुत अच्छे ऐसे करते रहो। और प्यार देना तो आपने कम कर ही दिया, जो लोग देख रहे हैं वो तो प्यार दे ही रहे हैं, अच्छे से कमेंट कर रहे हैं। तो पहला कमेंट है हमारा, बताइए जी। तो बैठ के टूट नहीं रहे तेरे हाथ पैर, बैठ आराम से, तोड़ना चाहते हो क्या? बैठ बैठ, मैं जलती नहीं हूँ। अच्छा तो पहला कमेंट है मनु चौधरी का, तन्नु बहुत सुंदर लग रही है रेड ड्रेस में। ओह अपना पहला ही पटक सुनाऊंगी, पहला कमेंट यही है। मैं क्या करूँ? अच्छा हाँ, मनु चौधरी जी का कमेंट है, तन्नु बहुत सुंदर लग रही है और रंगोली भी बहुत अच्छी बनाई है, तो बहुत बहुत थैंक यू मनु जी। मनु आंटी जी बोल दे, क्या बताओ कौन हो? आंटी है, आपको कैसे बता आंटी है? मनु हेलो भैया हो, दीदी हो, ताऊ हो, चाचा हो, कोई भी हो सकता है। अच्छा दूसरा कमेंट किसका? मनु जी लगा दिया ना वो। तो नेक्स्ट कमेंट है उर्मिला शाह जी का, हमेशा खुश रहो सपना। थैंक यू दीदी, थैंक यू, बहुत बहुत दिल से थैंक यू। बिमला शोराम जी का है, बहुत बढ़िया तन्नू, बहुत बढ़िया लग रहे हो आप बच्चे, आप भी अच्छे लग रहे हो। बड़ी मुश्किल से पहना था मैंने इसको कपड़े, बड़ी मुश्किल से ये पहन के खड़ी होती डिवाइडर, और सारे कमेंट पढ़ने अच्छे फिर गंदे भी सारे पढ़ के सुनाने हैं, ठीक है ना, अगला पढ़। तो नेक्स्ट कमेंट है सलमा पाटिल जी का, मैं तो सोनू हुआ के लिए ही ब्लॉग देखती हूँ। ओह हमारे लिए ब्लॉग ही देखती है। सोनू हीरा है मेरा, सोनू मेरी हीरा है, सोच लो सोनू नु सोच ले, एक बच्चा है और वो लड़की है भाई, लड़का नहीं है। किसी ने कमेंट कर रखा था कि वो आपका घरवाला है, नहीं भाई मेरा घरवाला नहीं है, अगर लड़का होता था कितना मैं शादी भी कर लेती, पर लड़की है वो, ठीक है मतलब मजाक कर रही हूँ, पर वो नो सोच ले मेरे लिए। लेकिन भाई जितना बुआ जी ने किया ना उतना कोई नहीं कर सकता। अरे बुआ जी कैसे कहती है बता दे, बुआ जी बोलती है ये मासी कह सकती है क्योंकि सारे जने बोलते हैं, उसको बहुत पहले से जानते हैं, तो स्टार्टिंग में बुआ पता है सब बुआ जी को बुआ जी बोलते हैं, मेरे को भाभी बोलती थी सोनू पहले,
बुआ जी निकलता है। सोनू मेरे को हमेशा से ना भाभी बोलती थी, अरे इसके पापा को भैया बोलती थी, तो उसके कारण है ना तन्नू बुआ जी कहती है। मासी हाँ। तो वो आप बना लेती मैं, पर मासी कैसे बनाऊ सर, उसे मुझे भाभी कहती है। वो मेरे को बुआ बोलने की आदत हो गई, मासी बोल या मासी नहीं बोलेगी अब, बुआ जी बुआ जी बुआ जी करते। कमेंट है जनियत जन्नत रसोगी जी का, आपको भगवान सेफ रखे, सभी के भाई ऐसे ही होते हैं, सब बेकार होते हैं। सब बेकार नहीं होते, ठीक है। देखो भाई कईयों के भाई इतने अच्छे होते हैं, टच वुड नजर ना लगे, मैंने देखा है। मतलब तेरा भाई कौन है, है? तेरा भाई कौन है? कईयों के तेरा तो है ही नहीं, तेरा तो वो है वो बैठा है बस, तेरा ये सोच सिर्फ एक ही भाई है, ये बस ये बैठा है ये बस, चाहे कोई बुरा मानो चाहे भला मानो, इसका भाई यही ही है भाई, कोई नहीं, कोई किसी को नहीं। अब भी भैया दूज है, कोई किसी को याद नहीं करता, सिर्फ हमारा कन्नू है जो इस पागल की बच्ची ने कल टिक्का लगाएगी, कल है भैया दूज इधर। मेरे को तो पता ही नहीं था कल भैया दूज, कल है भैया दूज बेटा, कल है भैया दूज, तो कल टिक्का लगा, ठीक है ठीक है, अच्छी बात है। क्या अगर भाई हो फिर आगे से बोलने का, तो ठीक है बिल्कुल ठीक है, तू खुश है, ज्यादा वो होती है। हमारी दिवाली ऊपर से निकल चुकी है, फिर बुरा भी मान जाओगे, मारा किसी ने भी कुछ भी याद नहीं किया, फिर हमने भी नहीं किया भाई, देखो मैंने भी नहीं किया, एक बार भी विश नहीं किया, संदीप से मेरी बात हो चुकी थी, राम राम शाम शाम, बस हैप्पी दिवाली बोल दिया था, उसके बाद नोला माऊंगा वे नहीं आए भाई, और वो सारी जगह बजा रही है, गोलू पायल भी सारी जगह बजा रही है, पर ठीक है, हम अपनी जिंदगी में बिल्कुल खुश है, बहुत खुश हम अपनी जिंदगी में। हमारी भगवती ने ना हमारे इतना फर्ज निभाया है, सुबह 7 बजे दिवाली दिन दरवाजा खुड़का, गुड़गांव से डिब्बा दे के गया है, गुड़गांव से स्पेशल डिब्बा दे के गया है। हाँ वो जब हम उस दिन शाम को जिनके घर में मंगलवार था ना, के घर गए थे वो थे सुबह 7 बजे दरवाजे खड़काए, हम सुते जगाए, डिब्बा दे के, उससे अगले दिन बड़ी दिवाली वाले दिन 8 बजे इसके चाचा जी आए सुबह, ठीक है तो, वो दे गए, तो हमने माई हमारी भेज देती है, मारा कमी किसी चीज की नहीं रहती, पूरी सारी कर देती है भाई, बस मत ये कहूँ माता जी बनी रही हमारे साथ, बस यही बात है। तो नेक्स्ट कमेंट है दीपिका संदीप जी का, दी आप दोनों मेरे को बहुत अच्छे लगते हो, थैंक यू जी। तो नेक्स्ट कमेंट है दीपिका शौरान जी का, संदीप आया नहीं, ये तो जग जाहिर था कभी ना आए वो, उसके ईगो के लिए तुम्हारा घर बहुत छोटा है मैडम, उनको यही बात है, मेरा घर छोटा है, मुझे भी शर्म आती है, मैं बुलाती हूँ जब मेरे को ना, मैं माता जी के आगे बैठती हूँ, मैं उनको जब भी ये बोलती हूँ ना तुम आ जाओ, मेरे को ये शर्म महसूस होती है, मैं कहाँ बिठाऊंगी उनको, बस मेरे को ये होता है कि मेरा बस कभी ये ना हो जाए कि ये आके ये हो जाए कि तनके बना रखे है, मुझे बहुत डर लगता है भाई, बहुत डर लगता है, और जैसा भी है मेरा घर मेरे लिए मेरी जन्नत है भाई, मेरी माँ प्रवेश है इसके अंदर, क्यों भाई तन्नू। तो नेक्स्ट कमेंट है मधु जांगड़ जी का, लुकिंग सो क्यूट आंटी जी एंड तन्नू, थैंक यू बेटा। तो नेक्स्ट कमेंट है उर्मिला शाह जी का, गॉड ब्लेस यू तन्नू, थैंक यू, वही कमेंट आ गया, बस छोड़ दे इस कमेंट में, जी का है सोनू लड़का है लड़की, हां सोनू अच्छा, बुआ जी लड़की है, मैं बुआ जी बोलती हूं, आप लोगों में इतनी कॉमन सेंस तो होनी चाहिए, तन्नू की माँ है वो, नू सोच ले भाई, देखो ये बात बुरा मानने की नहीं है, अगर मेरे को कोई बोल दे ना कि तू अपनी मम्मी में सर बुआ जी को चूज कर, कोई और तो देखो और होता मैं फिर भी सोच लूं, तो ये बुआ जी को चूज करे, बुआ जी को चूज करो, मम्मी और बुआ जी में से कोई बोले तो ये मम्मी ने किया है भाई, बहुत किया है, लेकिन जिस टाइम पे जरूरत थी ना उस टाइम बुआ जी ने इतना किया है, मैं बिना सोचे समझे बुआ जी को चूज कर सकती हूँ उसमें, अगर कोई दूसरा बंदा होता मैं 10 बार सोच चुकी, और मैं तो भगवान दिखता ही इसने, सोनू में भी भगवान दिखता है, बुआ जी भाई फर्स्ट प्रायोरिटी है भाई, प्रभ का भजन फैमिली, राम राम सपना, तन्नू बेटी बहुत प्यारी लगती, राम 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 राम। तो नेक्स्ट है दीपिका संदीप जी का, सोनू दी दिल 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 दिल, ओहो सोनू दिल 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 हो गया भाई। और भाविना बाबा जी का है हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली जी का, हैप्पी दिवाली दी, हैप्पी दिवाली, हैप्पी बिलेटेड दिवाली। और मिला शाह जी का हैप्पी दिवाली सपना, थैंक यू जी थैंक यू। सलमा पटेल, जब तन्नू के पापा के साथ रहनी नहीं है तो सोनू को बुआ क्यों बोलते हो, मासी बोलो। देखो वही बात फिर से आ जाती है, उनके साथ तो नहीं रहते, लेकिन अब जो स्टार्टिंग में आप हो, आप किसी को मतलब फैमिली में कोई भी है, ताई है चाची है, अगर आपका रिलेशन उससे आपकी मम्मी का बहन है वो, और वो रिलेशन आपका टूट जाता है तो आप ताई बोलोगे, ऑब्वियस सी बात है, वो जो चीज आपको मतलब अंदर से होते हैं ना, स्टार्टिंग से आप वही बोल रहे हो तो वही रहता है, वो चेंज नहीं कर पाते आप।
गुरमीत जी का है नाइस, और वीरेंद्र कौर जी का हैप्पी दिवाली हैप्पी दिवाली। पूजा नमन जी का तनु अकाउंट सीला है क्या आपने? नहीं वो रेडीमेड है गाइस, पर उसके मम्मी ने पर है ना सारी चीज सिलनी आती है। अगर आपका दिल करे, ये तो डिजाइन तो मैंने निकाला था, सिर्फ वो सिंपल था, जैसे ये लेस वगैरह मैंने ही लगाई है उसके। और जिसने भी कोई नई ड्रेस सिलवानी तो आप है ना फोटो भेज सकते हो, और मेरा नंबर भी जानते हो 8708337725। और बहुत सारा माल आ चुका नया नया, अब डेली ही वीडियो अपलोड करेंगे। जिसने भी सूट लेना तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सपना तरमी सूट्स वाले को अच्छे अच्छे सूट देखने को मिलेंगे, बाकी अच्छे से अच्छे। क्यों भाई तनु? हाँ जी, तो नेक्स्ट कमेंट है सिद्धार्थ शर्मा जी का, नाइस व्लॉग हैप्पी दिवाली। तो आप सभी को भी हैप्पी दिवाली। अनिशा कुमारी जी का हैप्पी दिवाली। हार्दिक चौधरी जी का है, तू कितना भी झूठ बोल दे अरमान तेरे घर नहीं आने वाला। तो भाई देखो कोई नहीं बात, कोई नहीं चलेगा। देखो अब किसी के साथ आप धक्का नहीं कर सकते हो, उन्हें टाइम नहीं मिला। देखो हम यही नहीं कह रहे वो आ नहीं रहे, उन्हें बिल्कुल भी टाइम नहीं, और वहां से घर इतना पास भी नहीं पड़ता, बहुत दूर 6 घंटे का रास्ता है। बच्चों को लेके आना कोई आसान बात नहीं है, और वो कुछ काम में भी बिजी हो रहे हैं। अब जो सैलून वाला काम चल रहा है उसमें भी देखना पड़ता है, बीच में जो वो छोड़ दिया था बिल्कुल, तो वो भी पूरा खराब हो गया था वहां से भी। तो भाई मुझे शर्म भी आती है बुलाते हुए, क्योंकि मुझे उनके आगे है मेरा घर, मुझे छोटा लग रहा है, क्योंकि मुझे ये शर्म आती है मैं कहाँ बिठाऊँ कहाँ उठाऊँ। देखो बस कुछ भी लगा लो जी, ठीक है भाई तनु। तो नेक्स्ट कमेंट फिर से आदित्य चौधरी जी का है, फैशन करते टाइम बुढ़ापा याद नहीं आता क्या? तो गाइस देखो एक बात होता, उम्र के साथ तुम फैशन करना छोड़ दोगे भाई? जब बंदे कमेंट करे ना तो पहन ले, क्या पता लाइफ कब तक हो पहनने ओढ़ने के लिए। एक बार फैशन बताए तनु मैं क्या करती हूँ बताएगा? फैशन मुंह पे क्रीम लगाती हूँ कभी, बॉडी लोशन है मम्मी सिर्फ, क्या तो बॉडी लोशन लगाती है या एक थोड़ी सी क्रीम। देखो वो व्लॉग में लगानी पड़ती है, अगर गंदा बन के रहना फिर आप लोग कहते हो ऐसे बन के रहते हो वैसे बन के रहते हो। मम्मी एक लिपस्टिक ही लगाती है, लिपस्टिक लगाती है, लेकिन मम्मा फिर भी करना पड़ता है गाइस, टाइम के अकॉर्डिंग सब कुछ करना पड़ता है। अगर हम गंदे तरीके से रहेंगे फिर आप लोग वही कमेंट करने लगोगे, आपके पास कपड़े नहीं, आप ढंग से पहनते नहीं, आप ये नहीं करते हो वो नहीं करते हो। मैं बुढ़ापा और थोड़ी सी पर्सनैलिटी चेंज करनी पड़ती है। मेरी बेटी की शादी होगी ना, जब भी मैं नर्सी सिंह करूंगी ठीक है, मेरा बुढ़ापा क्यों आया? अभी 40 की हुई, 50 का होने के बाद मैं लिपस्टिक छोड़ूंगी, और जब भी नहीं छोड़ूंगी मैं, है ना तनु? इसका कमेंट आ रखा है अनाम FBR करके कुछ है, तुम लोग इवेंट पे कुछ खास क्यों नहीं बनाते लाइक चिकन मटन पुलाव बिरयानी? तो हम लोग प्योर वेज है, हम अंडा भी नहीं खाते घर में भाई, हमारे घर में लक्ष्मी माता जी के जो ये देखो है, ये माता जी स्थापित कर रखी है, ये माता जी देख लो हमारे घर में सारे भगवान मिल जाएंगे आपको। देखो हनुमान जी है, राम जी साथ में आई जाएंगे, कृष्ण भगवान जी है, राधा भी साथ में आई जाएंगी, जी माता जी है, शिव जी है, लक्ष्मी है, सरस्वती है। तो हम मंदिर भी बनवा, आज मंदिर का नाप दिया है, आज मंदिर का भी हो चुका है। बस हे माता जी जल्दी से मंदिर बन के घर ले आओ। तो रुचिका सेन जी का है दिल दिल दिल, और उपेंद्र कुमार जी का भी है दिल दिल दिल। अभी अभी किसका फोन आया था? कोमल दीदी का, कोमल था। कोई पूजा दुर्जा करके उसका कमेंट आ रहा, सोनू आपके हस्बैंड है? हाँ हस्बैंड है। मुझे एक बात बताओ, तुम एक बात, इतनी कॉमन सेंस खुद में होती है, मैं उन्हें बुआजी बोल रही हूँ, मम्मी उन्हें सोनू बोल रही है। खैर मम्मी का एक मान लो तुम्हें लगता है ठीक है, कोई नहीं तुम्हारी खुद की है, तुम क्या सोचते हो वो अपनी मेंटेलिटी पता चल जाती है। लेकिन इन्होंने, मैं ये नहीं कह रही ना गलत में पूछा, लेकिन कई लोग इसे गलत वे में ले जाते हैं। पहले भी कईयों ने इस बात को बहुत उड़ाने की कोशिश करी थी कि सोनू के ऊपर ये बोलो सोनू के ऊपर वो बोलो, तो देखो उससे लोगों की मेंटेलिटी पता चल जाती है क्या है। मेरे को कुछ भी बोलो पर सोनू बुआ जी को ना बोले, कुछ सुना देगी आपको। तो भाई तुम्हें इतना खुद में कॉमन सेंस होना चाहिए, मैं उन्हें बुआ जी बोल रही हूँ, वो उनका नेचर देख, उनका शाय नेचर है, ब्लॉग वगैरह में आना पसंद नहीं करते हैं वो, वैसे ही हम धक्के से उन्हें लेते हैं थोड़ा बहुत। तो क्यों उनका आना बंद करवा रहे हो ऐसे ऐसे सवाल पूछ के? सोनू बुआ जी लड़की है, गर्ल है, वो लड़का नहीं है, और वो शादी नहीं करवाती। हाँ और उनकी शादी नहीं हुई हुई है। इस एक टाइप का कमेंट भी आया हुआ था कि सोनू मैरिड है क्या, अपने पति के साथ रहती? तो गाइस वो ब्रह्मचारी है, वो पूजा करते हैं, तो वो उन्होंने शादी नहीं करवाई हुई है, ये बात हम पहले भी बता चुके हैं, लेकिन अब फिर से बता देते हैं। वो माता जी में लीन है, जीवन भवानी में जीन माता जी की पूजा करते हैं, बुआ जी ब्रह्मचारी हैं वो। जिसे भी कुछ पूछना था बता देना, एक मिनट में उत्तर देंगे।
तो बस अभी आज का व्लॉग इसी के साथ एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तो अभी आप फटाफट से अच्छे अच्छे बहुत सारे कमेंट करना, जो भी आपके क्वेश्चंस है वो आप पूछ सकते हो, कल के व्लॉग में फिर दे देंगे हम तो। हाँ नहीं नहीं, दो तीन दिन के बाद हम व्लॉग बनाएंगे, उसके अंदर जवाब देंगे। आप भर भर के कमेंट करना, जिसको जो क्वेश्चन हो, जिसके जो आर्ग्यूमेंट हो आप कर सकते हो, आपकी मर्जी जो पूछना है वो पूछ लेना। और कुछ रह गया तो आज हमने ना तो एक गंदा कमेंट छोड़ा, ना एक अच्छा कमेंट, सारे पड़े हैं, बहुत अच्छे कमेंट थे भाई, बहुत अच्छे। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए ओके टाटा बाय बाय। बस आपका साथ हमारे साथ बना रहे और साथ में माता जी का, बस कुछ नहीं चाहिए जिंदगी में, यही चाहिए है अच्छे अच्छे कमेंट का, रिप्लाई करो और बातें करो लोगों से, इसी में हम तो खुश है भाई। ठीक है, और लाइक और शेयर कमेंट भी कर दिया करो, बहुत प्यारे प्यारे। जब तक के लिए ओके टाटा, बाय बाय।